करते आ रहे हैं 20 साल से। दो बार हमने मुखिया रहा, फिर बीडीसी का रिजर्व हुआ तो हमने बीडीसी का चुनाव लड़ा जनरल। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रंजित कुमार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। अभी भी मैं सिवान शहर सिवान सत्र ब्लॉक में हूं और एक प्रत्याशी जुड़े हुए हमारे साथ। अभी ये जा रहे हैं सिवान जिला के जो वर्तमान में विधायक हैं श्री और भाई चौधरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आइए जानते हैं, मुलाकात करते हैं इनसे कि इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और सुनने में आया है कि प्रत्याशी ऑलरेडी अभी हैं और वर्तमान में कुछ पद में भी सम्मिलित थे। क्या कुछ कहिएगा सर, आपका आज नॉमिनेशन हुआ, बहुत बधाई, आपका शुभकामनाएं। मेरे नॉमिनेशन में इतना भीड़ है जी कि यहाँ जो है गेट पर प्रशासन को अपने खुद संभालना पड़ा, नहीं तो मैं। नाम क्या हुआ सर? हरेंद्र चौधरी। अपना थोड़ा परिचय। हरेंद्र चौधरी, हरेंद्र चौधरी सियाड़ी पंचायत, सियाड़ी पंचायत से। हाँ, सिवान सदर मेरा ब्लॉक है, सिवान मुफस्सिल थाना है। मुखिया का नहीं, बीडीसी हम थे, फिर हमारा रिन्यूअल करना है बीडीसी। हाँ, सिवान सदर में रिजर्व है, उसके बाद मैं आके उप प्रमुख बने हैं। अच्छा, उप प्रमुख भी बन चुके हैं? हाँ, बन चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख के दावे करते हैं? नहीं, यहाँ ब्लॉक प्रमुख फिर उप प्रमुख बनेंगे, चूंकि मेरा सीट रिजर्व है। हाँ, तो रिजर्वे को प्रमुख बनाना है, हम उप प्रमुख बनेंगे। करूंगा सर कि पंचायत में आपने बीडीसी के माध्यम से कौन कौन से काम किया है? हम अपने पंचायत में बहुते काम किए हैं, बहुत पंचायत में घूमने गया था एक महीने पहले। हाँ। शौचालय का कमी, वहाँ पे नाला का कमी है, शिक्षा का कमी है, बहुत सारा कमी है, आपको क्या करना चाहेंगे? बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो इस पहले हम लोग मुखिया थे तो फंड कम था जी। इस समय में 5 साल में जो मुखिया निकला वो जो है एकदम माने अथी निकल गया, कोई काम नहीं करवाया जी जी। इसलिए उसके माने हम लोग मेरे सहयोगी से और मेरे सहयोग से एक मुखिया प्रत्याशी भी हम लड़ा रहे हैं, ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप लड़ा रहे हैं? हाँ, हम लड़ा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कोरोना काल की वजह से आपके सत्ता पे, आपके पद पे कितना प्रभाव पड़ा था? लोग कह रहे थे कि मतलब कोरोना काल से फंड नहीं आया, काम नहीं हो पाया, इस पे कितनी सच्चाई है? कोरोना काल से तो हम लोग ग्रसित थे। हाँ। लेकिन उनमें जो फंड आया हाँ। मेरे ही पंचायत समिति से जो हमको मिला, तो एगो जीन बाबा के पास हमने बनवाए हैं, फेवर ईटा से करवाए हैं। अच्छा। सियाड़ी हरजन टोली में फेवर ईटा से करवाए हैं जी जी। और सियाड़ी टोली में फेवर ईटा से हमने काम करवाए हैं। बीडीसी का सही मायने में दायित्व तो क्या होता है? मुझे पता है कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख डेवलपमेंट का अथॉरिटी होता है, जो पंचायत में कोई भी समस्या होता है उसे ऊपर उठाना होता है। मुखिया से भी बड़ा बीडीसी पद होता है मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन बीडीसी सही मायने में पंचायत में सभी जनता नहीं जान पाती कि बीडीसी कौन है, या बस दो पद को बताता है, सरपंच और मुखिया, दो ही पद लोग जानते हैं। बीडीसी और जिला परिषद के बारे में लोग नहीं जानते हैं, इसमें क्या विचार है आपका? मेरा विचार यह है कि बीडीसी के ये बात तो सही है। हाँ। बीडीसी का जीत लोग जाता है। हाँ। और जो वोट एक कर देता है। हाँ। और उसके बाद से उसको कोई नहीं पूछता, वो घर बैठ जाता है इसलिए। लेकिन मैं बीडीसी हूँ। हाँ। कि पूरे ब्लॉक पर मेरा प्रभाव है। अच्छा। पूरा 900 पंचायत में मैंने काम करवाया है। 900 पंचायत में जो भी थोड़ा नाम बताइए सर। सियाड़ी पंचायत। हाँ। सिवान सदर ब्लॉक का है जी। है जिला सिवान है। हाँ। हमने यहाँ उप प्रमुख बन के उप प्रमुख बने थे। हाँ। तो उप प्रमुख बने में आपके कितने, जैसे आप एक पंचायत में आपके प्रमुख बनने के पहले कितना पंचायत आपके में आता है? उप प्रमुख बनने 19 पंचायत है। तो कुछ पंचायत के नाम बताइए थोड़ा सा। अरे तो उसमें चलिए ना, पचलखी है। हाँ। सियाड़ी है। हाँ। पिठौरी है, बहुत सारा पंचायत है। बहुत सारा पंचायत। पूछने का तत्पर्य ये है कि पंचायत में हमने घूमा है, बहुत सारे कल मुखिया लोग भी आए थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पैसा बहुत सरकार से आ रहा है, लेकिन सही मायने में धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है। क्या सहमत है आप लोग? शौचालय के लिए बाहर लोग जाते हैं, जाते नहीं होते। तो हम चाहते हैं शौचालय, आज महिलाएं, आज बुजुर्ग, हर कोई रोड पे शौचालय कर रहा है। बरसात का मौसम चल रहा था, सब कोई शौचालय, अभी मैं आ रहा था हसनपुरा पंचायत से, लोग शौच के लिए बाहर जा रहे थे, शौच के लिए बाहर कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदा लग रहा है, इस पर क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हम इस मुखिया प्रत्याशी रामेश्वर चौहान है, कहाँ से आप हैं? सियाड़ी पंचायत, सियाड़ी का है, सियाड़ी पंचायत से। अच्छा, इसको हम जीता रहे हैं। अच्छा। आप मुखिया ही के फंड में शौचालय आता है। आपका नाम क्या? रामेश्वर चौहान। क्या लगता है आपको सहयोग करें तो आप जीत कराएंगे, समाज सेवा करेंगे? पक्का है। क्या नाम आपका? रामेश्वर चौहान। रामेश्वर चौहान जी, बोलिए। पूरे पंचायत में नाला का काम करेंगे। हाँ। चापा कल गड़वाएंगे। हाँ। इंदिरा आवास देंगे। हाँ। लोगों को पेंशन करवाएंगे। हाँ। चूंकि सब मुखिया के थ्रू ही काम होता है, जितने अफसर पंचायत में आज जाते हैं तो मुखिया से परिचय करते हैं। आज तक में कहीं भी सरकार का जो आदेश होता है, माफी चाहूंगा आप लोग, ये सवाल करना लाजमी है, सरकार का आदेश होता है कि गांव पंचायत में चौपाल करना चाहिए, जनता दरबार लगाना चाहिए, लेकिन आज तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लगाएंगे आप? लगाएंगे? लगाएंगे। अब तक दिखाएंगे? लगाए नहीं लगाया है, फिर अब हम कोशिश करके जनता से समर्थन करके लगाएंगे। आप जनता से क्या वादा करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, खुल के बोलिए जनता से। जनता से कहिए कि हम काम करेंगे। मान रही है हमको,
मुखिया बना रही है तो जनता जो पहली बार लड़ रहे हैं तो आप इस बार ब्लॉक प्रमुख बनने के दौर मनते हैं ब्लॉक प्रमुख उप प्रमुख बने हम ब्लॉक मेरा ब्लॉक रिजर्व है अच्छा इसी के स्थिति में हम उप प्रमुख बनेंगे ना उप प्रमुख हम बनेंगे आप पूरे 1900 पंचायत में मेरा सहयोग है काम करवाएंगे सारे अफसर से हम मिलकर काम करवाते हैं आइए मेरा एक चीज कहूंगा सर आप ब्लॉक प्रमुख बनेंगे भ्रष्टाचारी बहुत चल रहा है जैसे आप पता ही है सिवान सर में आपको कितना परेशानी हो रहा है सिवान सर के लोग जो लोग हैं इधर के लोग इधर ही रहते हैं उधर के लोग उधर ही रहते हैं पुल टूटने के कारण बहुत परेशानी हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि इस पे क्या टिप्पणी देना चाहते हैं आप जनता के साथ रहे तो जनता के समस्या को जानना पड़ेगा हाँ हाँ जनता के समस्या को हम जानते हैं और जानना है लेकिन जो बिहार का सरकार है हमारे राज्य के मुखिया है उसको आँख पर पर्दा लग गया है अंधा हो गए अगर चौधरी से मिलने उनसे क्या उनसे आप आशीर्वाद यही उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि हम चुनाव हम बीडीसी में जीते ब्लॉक के उप प्रमुख बने मेरा उनके बारे में थोड़ा बताइए आप बता रहे हैं मेरा रामेश्वर जी मुखिया में चुनाव जीते आप पूरे पंचायत के सियाड़ी पंचायत से हम हाँ मुखिया पद के लिए आप बीडीसी के पद के लिए मेरा अपना मंशा है कि हमारा पूरे पंचायत का जनता का सुख हो जाएगा अगर ये हमारे मुखिया जी जीतते हैं तो सारे पंचायत का जो लोग हैं गरीब हैं सारे कार्य हो जाएगा अपने मंत्री से पहले कोई काम करे ना करे लेकिन आप चुनाव जीत जाते हैं तो एक सर काम करेंगे शौचालय का सुलभ शौचालय का काम करेंगे स्वर्जी शौचालय का नाला का नाली का कम से कम विकास करेंगे कराएंगे कराएंगे एकदम वादा करते हैं आप भी वादा करते हैं सर हम तो एकदम मेरा पक्का वादा है हम कामे किए हैं आपका नाम पूरा हरेंद्र चौधरी आपका नाम रामेश्वर चौधरी देखिए बात करने वाला था मैं सियाड़ी पंचायत के हमारे साथ जुड़े थे बीडीसी प्रत्याशी और मुखिया प्रत्याशी इस बार इनका मुहिम है मैंने सवाल इसलिए किया है कि पंचायत में गांव में इतना समस्या देखने को मिल रहा है कि आप लोगों को पता ही होगा मैं जिस गांव में जा रहा हूँ इतना परेशानी दिख रहा है कि मैं चाहता हूँ परेशानी दूर हो परेशानी से जनता निजात पाए इस बार आप लोग को वादा करता हूँ कि आप लोग काम करेंगे ना और आप लोग मेरा वादा है एक बार जगह लगा बीडीसी में कितना पैसा लगा नामांकन फॉर्म भरने में बीडीसी में मेरा 1000 रुपये लगा आपका कितना लगा है सर वही 500 लगा 500 नहीं तो वही मैं पूछा बीडी मतलब एससी में आते हो ना जाति लगा था उसमें एससी तब लगा तो वही है बता दूं आपको कि जैसे कि 1000 मुखिया के लिए लगता है लेकिन जाति संगठन करने के अनुसार 500 कम हो जा रहा है सही बात है ना हाँ सही बात है तो एक बार जनता से एक बार रूबरू हो जाइए हमारी जनता को ये कुछ कहिए कि आप इस बार चुनाव जीत रहे हैं लोग और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे लोग हम अपने जनता से हाथ जोड़ के वादा करते हैं कि मेरा जनता जो है मेरे साथ देखिए कितने लोग आए हैं मेरा जनता हमको सहयोग करें उनका पूरा पूरा विकास हम करेंगे हमारे रामेश्वर चौहान को मुखिया में जितावे हमको बीडीसी में जितावे हम आएंगे यहाँ ब्लॉक के उप प्रमुख बनेंगे आप पूरे गरीबों का मैं विकास करूंगा सर यही कहेंगे जनता हमको बना रही है मुखिया जनता को हम सुख शांति देंगे जो विकास के काम होगा वो हम करेंगे आपकी है ना कबीलियत है ना क्षमता है ना क्षमता है काम करेंगे करेंगे घुसखोरी तो नहीं करेंगे नहीं नहीं कोई घुसखोरी नहीं मुखिया का पद देंगे सबसे मिलने के लिए अगर कोई आएगा इंसान तो मिल लेंगे ना मिल ऐसा तो नहीं कहेंगे हम दिल्ली है पटना कलकत्ता है कुछ नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे चलिए धन्यवाद थैंक यू देखिए हम बात किए ग्राम पंचायत सियाड़ी के दो प्रत्याशी लोग जुड़े हुए थे एक बीडीसी प्रत्याशी एक मुखिया प्रत्याशी मेरा फर्ज ये बनता है कि समाज में जो गांव में जो मुद्दा है उसे उठाना मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें जय हिंद जय भारत थैंक यू